मैं चोर है कौन है? मैं चोर नहीं हूँ, वो उधर है चोर है? चोर चोर लगाइए कौन है? चोर है चोर। अरे क्यों इतनी रात को चिल्ला रहे हो? सुबह चिल्लाना, मेरी नींद खराब हो रही है। अच्छा चोरी अब ये तो हम सुबह क्यों चिल्लाएं जी? हाँ। अब तो तुम्हारी आंखें वापस आ गई हैं, चोर ढूंढो। मुझे सिर्फ दिन में दिखाई देता है, रात को नहीं। तुझे दिखाई देता ना, जा जाके पकड़ चोर को। अच्छा सर की जुमैन से पकड़े नहीं जाते, चोर पकड़ेंगे ये। चोर को पकड़ने का कुत्तों का काम होता है। अच्छा तुम क्यों नहीं ट्राई करते भाई? अच्छा कुत्ता अगर निकम्मा हो तो सुअर को हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। भाई मैंने तो कभी सुअर को चोर पकड़ते देखा नहीं। हाँ तो कोई बात नहीं, रिकॉर्ड बनाने में कौन सी बुराई है? और वैसे भी आपने मुझे भौंकते हुए कब देखा है? अब भौंकी तो रहे हो तुम। अभी तो देखा मैंने तुमको। डॉक्टर साहब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भौंकना बंद करो वरना म्युनिसिपैलिटी वाले को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब वो बेड नंबर 3 के पेशेंट जो है उसकी धड़कने बंद हो गई है। इसका मतलब धड़कने चुरा के ले गया वो? लो या नहीं, चोर की वजह से नहीं, आपके इलाज की वजह से मरा है वो। मरा है? मेरा बिना पैसे दिए हुए मर गया? मैं अभी उसकी जान लेता हूँ। और डॉक्टर साहब वो ऑलरेडी मर चुका है। यार तुम मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, मर रहा है कि जान गई है? लेट मी चेक मायसेल्फ, कम ऑन नर्स, कम ऑन। कौन कौन सा सामान चोरी हुआ है? ओ हाँ, हमारी सोसाइटी में चोरी हुई है ना, मैं पुलिस को फोन करती हूँ। एक्सक्यूज मी, पुलिस का नंबर क्या है? जी नंबर वैसे तो 100 है, लेकिन आप अपने हिसाब से 400-500 डायल करो। तू अपनी चाय बना, समझा ना। हेलो पुलिस स्टेशन, हाँ मैं शांतिवन नॉन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से बोल रही हूँ, यहाँ पर एक चोरी हो गई है, आप कृपया जल्दी आ जाइए प्लीज, थैंक यू। आप कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ रहे? देखिए मेरी जीभ का सायरन बड़ी तेज बजता है, जिनकी जीभ का सायरन धीरे बजता है वो थोड़ी देर से आते हैं। बताइए क्या हुआ है? लेकिन आप तो पैदल आए हैं, जीभ कहाँ है आपकी? चोर मैंने पकड़ना कि जीभ ने? आप कौन है? ट्रैक्टर बम्पर? मैं बम्पर लॉटरी हूँ। ओह बम्पर लॉटरी, भाई ध्यान रखना किसी गरीब की निकलना है वरना जान निकल जाएगी उसकी। देखिए हमारी सोसाइटी में चोरी हुई है, आप जरा चोर को पकड़िए प्लीज। एक बार अपने कपड़े झाड़ के देखो कहीं इधर ना छुपाओ। ये आपको मजाक सूझ रहा है? मजाक मेरा तो घुटना सूझ रहा है, मैंने कल एक साथ 20 चोर पकड़े, मुझे थाने तक दौड़ाया यार उन्होंने, बहुत ज्यादा मैं थक गया। आपने चोर पकड़े तो उन्होंने आपको क्यों दौड़ाया? मैं अकेला था, वो 20 लोग थे, मेजोरिटी की थोड़ी रिस्पेक्ट भी तो देखी नहीं। एक बताइए आपके यहाँ चोरी की किसने वैसे? पता नहीं। उसका हुलिया बता सकती हैं आप? पता नहीं। जब कुछ पता नहीं तो मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं आप? आपको अपनी डाइट का पता है? आप खाती क्या? जितनी जगह आपने घेरी हुई है एक छोटे से गांव की पुलिस चौकी खुल सकती है इस पे। कोई है इधर जिसने चोर को देखा है? हाँ जी मैंने देखा है चोर। आपने देखा चोर? हाँ जी। मुझे तो तू ही लग रहा चोर, इधर आ। आपने देखा चोर को? हाँ जी मैंने देखा चोर को। एक काम करो तो मैं तुम्हारे डॉक्टर साहब की बेइज्जती हो रही है, अंदर चलो। अंदर चलो, पेशेंट चेक करो, इंसान देखने में मजा आता है। तो आप क्या बता रहे थे? मैं ये कह रहा था इंस्पेक्टर साहब कि हमारे मोहल्ले में बहुत बड़ी चोरी हुई है। देखिए चोरी बड़ी हुई कि छोटी हुई ये पुलिस डिसाइड करेगी, आप ज्यादा चौधरी ना बने। ये बताइए चोरी हुआ क्या है? इंस्पेक्टर साहब हमारे मोहल्ले में चोरी हुई है। देखो चोरी हुई है या नहीं हुई ये पुलिस डिसाइड करेगी, आप ज्यादा चौधरी ना बने। इंस्पेक्टर साहब हमारे मोहल्ले में चोर आया था। वो चोर था या नहीं ये पुलिस डिसाइड करेगी, आप ज्यादा बकवास ना करें। अब ये बताइए आपका नाम क्या है? जब सब कुछ आप ही डिसाइड कर रहे हैं तो ये भी आप ही डिसाइड कर लो ना, मेरा नाम क्या है? तो मैं दाएं गाल पे डिसाइड करूं कि बाएं गाल पे डिसाइड करूं? हैं? डॉक्टर मशहूर गुलाटी MDHC। MDHC क्या होता है? मैंने देखा है चोर, डॉक्टर मशहूर गुलाटी ने। मोहल्ले में चोरी हो रही, तू वॉकमैन लगा के गाने सुन रहा है? टाइम तो पास करना ही है ना जी डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो आप डॉक्टर मशहूर हैं? हाँ जी। तो आइए आपको बदनाम कर देते हैं आज फिर। क्यों जी, मेरे को क्यों बदनाम करना है डॉक्टर साहब? नहीं नहीं तुम्हारा मुंह मुन्नी जैसा है ना। मुन्नी बदनाम भाई। इट वॉज अ बैड जोक।
देखो दिखाओ तुम सच्ची में देखना है मैंने देखा हुआ है देखो तुम्हारे मोहल्ले में चोरी हुई है तो किसी पे तो इल्जाम डालेंगे ना हम डालेंगे क्या होता है जिसने चोरी की है उस असली चोर को आप पकड़े है ना है ना ये कौन है इतनी रात को छोटे छोटे बच्चों को जगाता मैं थप्पड़ मारूं देखो असली चोर को कहाँ पकड़े मार्केट में असली चीज यहाँ कहाँ रही है एक बात बताओ मुझे हाँ जी इधर आओ जब चोर चोरी करके भागा था हाँ जी तो गया किस किस तरफ था वो इस तरफ इस तरफ गया था हाँ जी चलिए हम इस तरफ चलते हैं एक मिनट जब चोर इस तरफ गया था तो हम इस तरफ क्यों चलते हैं भाई चोर इस तरफ से भाग गया ना हाँ जी इस तरफ से तो भाग गया फिर इस तरफ से कोई ना कोई पकड़ते उसको चोर बनाते सवाल नहीं पूछने मैंने चलो ओए इधर कौन है ओए पुलिस आ गई पुलिस आ गई ओ पुलिस आ गई ओ पुलिस को छुप के इधर बैठा था क्या क्या चोरी करते हो तुम क्या क्या चोरी करते हो तुम सर मैं चोर नहीं हूँ इधर मैं चाय बनाता हूँ मेरी चाय की दुकान है ओहो पार्ट टाइम चाय भी बनाता है चोर मैं चाय बनाता हूँ मैंने कोई चोरी नहीं की पक्का हाँ जी सर मेरा सामान चोरी हो गया यहाँ से क्या चोरी हुआ तुम्हारा डॉक्टर साहब मैंने बड़ी मेहनत के साथ गरम गरम मठियाँ बनाई थी वो चोरी हो गई तो मैं डिसाइड करो इंस्पेक्टर साहब डिसाइड करेंगे कि मठियाँ चोरी हुई है कि बालू शाहियाँ चोरी हुई है इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब आ जाओ उनकी बात सुन लेते इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़िए पकड़ा ही नहीं है हमको यार छोड़िए छोड़िए क्या लगा रखा है इंस्पेक्टर साहब इन्हें छोड़िए मेरा दांत चोरी हो गया है पहले वो ढूंढ कर दीजिए तो ये मुंह में क्या सीढ़ी डाली हुई है ये क्या है ये दांत ही तो है तुम्हारे एक मिनट हाँ जी जब चोरी हो रही थी जी तुम क्या कर रहे थे सर देखिए रात का वक्त था मैं आराम से सो रहा था मैं खराब आदमी चोर उचक्के बेचारे रात रात भर जाके चोरी कर रहे और तुम सो रहे थे जब चोरी हो रही थी तुम क्या कर रहे थे ये रात का वक्त था मैं सो तो नहीं रहा था मैं ऑपरेशन कर रहा था ऑपरेशन कर रहे थे हाँ जी इधर मुंह कर जरा डॉक्टर हो के रात रात भर जागते तुम हैं सोमालिया है तुम्हें सोमालिया नहीं इंसोम्निया होता है जब सारा पता तो फिर मानते क्यों नहीं सोते क्यों नहीं अच्छा एक मिनट अगला थप्पड़ इधर से मारे बार बार मेरे को इधर मार के एक ही तरफ चक्कर आ रहे हैं बुड्ढी जी आप क्या कर रही थी जब चोरी हो रही थी मैं इस आंख से सो रही थी और इस आंख से जाग रही थी तो इन दोनों आंखों के बीच कहीं आपने चोर को देखा है भागते हुए नहीं मैं तो अपने कप्पू का इंतजार कर रही थी शाम से वो नहीं लौटा है बस बस कप्पू चोर है फिर आपने इधर मारा मैंने कहा इधर मारना था मैंने कहा ना कि मैं डिसाइड करूंगा चोर कौन है आप ज्यादा जज ना बने सर कप्पू ही चोर है ओए इधर है दान पात्र जैसे मुंह वाले है तो मुझे ऐसा शक हो रहा है कि चोर आपके बीच में से कोई है